शरीयत मानने वाले आतंकियों के मजहब का फरमान देख लो, जिसने कश्मीर से भागते कश्मीरी हिंदू को न देखा वो आज अफगान देख लो। अभी के युवाओं को शायद ही ये पता होगा कि एक समय अफगान में जहां सनातन धर्म का ध्वज उड़ता था, आज वहां तालिबान का ध्वज उड़ रहा है। मामा शकुनी के देश में तालिबान राज चला रहा है। महाभारत के समय में जिस गंधार में गंधारी और मामा शकुनी का राज था, आज वहाँ तालिबान का राज है। तालिबान शब्द अफगानिस्तान में बोली जाने वाली पश्तो भाषा का शब्द है। तालिब का अर्थ शिक्षा और तालिबानी का अर्थ विद्यार्थी होता है। इसका लक्ष्य इस्लामिक कट्टरता को अमल में लाना और विश्व में फैलाना है। इसकी स्थापना कुख्यात आतंकी रहे मुल्ला उमर ने की थी। सितंबर 1994 में कंधार में उसने 50 लड़कों के साथ यह संगठन बनाया था। मुख्यत पश्तून लोगों का यह आंदोलन सुन्नी इस्लामिक धर्म की शिक्षा देने वाले मदरसों से जुड़े लोगों ने खड़ा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय पाकिस्तान स्थित इन मदरसों की फंडिंग सऊदी अरब किया करता था। तालिबानी आतंकियों की वजह से अभी अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, उसके वजह से पैसे वाले और राजनीतिज्ञ पहले ही देश छोड़ के भाग गए। मिडिल क्लास बचे तो वो अपना सामान छोड़ सिर्फ धन लेकर भाग गए। जो भाग नहीं सकते वो या तो घरों में बंद हो गए या तालिबान के समर्थक बन गए। और जिनके पास वीजा तक के पैसे नहीं, वो किसी तरह जहाज में चक्के के ऊपर बने कवर पे ये सोच कर बैठ गए कि किसी तरह से जान बच जाए, पर वहाँ भी किस्मत साथ नहीं देती और 3 आदमी के ऊपर से गिर के ही मौत हो जाती है। पाकिस्तान आतंक परस्त देश है, इसलिए उसका तालिबान का समर्थन देना समझ में आता है। मगर रूस की क्या मजबूरी है जो उसे तालिबान का समर्थन करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे अपना हथियार बेचना है। इसलिए कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ बिजनेस और पैसा होता है। अब सवाल है, अफगान में किस धर्म के लोग भाग रहे हैं, किस धर्म के लोग भगा रहे हैं, अपने ही बहू बेटी को किस धर्म के लोग सड़कों पर नीलाम कर रहे हैं। जो लोग भारत में इंटॉलरेंस की बातें करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करते हैं, जिन्हें भारत में रहने से डर लगता है, क्या वो जवाब देंगे कि अफगान से भरी हुई प्लेन भारत क्यों आ रही है, वो किसी इस्लामिक देश क्यों नहीं जा रही? क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो भारत में है, बाकी तो सब मोह माया है। देश के डरे मुसलमानों को मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, जो भरी हुई प्लेन अफगान से इंडिया आ रही है वो खाली होकर वापस अफगान भी जा रही है। आप चाहें तो उसमें बैठकर अफगान जाके बच सकते हैं, जिससे शायद आपका डर कुछ कम हो। दोस्तों एक बात याद रखिए, अफगान में पेट्रोल जरूर सस्ती होगी मगर लेने वाला कोई नहीं। सीरिया में घर खाली पड़े हैं मगर रहने वाला कोई नहीं। वहीं जहां भारत में कभी कश्मीर में आप शादी नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं ले सकते थे, वहीं 1990 के दशक में कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी हिंदुओं को पूर्ण कश्मीर में बसाया जा रहा है। यही है आपके एक वोट और सही चुनाव की ताकत। सवाल है, अफगान से भागने वाले के पास दौलत है, घर है, काम है, फिर भी वो अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उसके पास अब ऐसा लीडर ही नहीं है जो लोकतंत्र को अमल कर सके, उसके लिए लड़ सके। तो क्या हुआ, आखिर उसके पास शरीयत कानून तो है जिसके वो पक्षधर हैं? वो भी तो आखिर यही चाहते होंगे। फिर शरीयत से दिक्कत क्या जो भाग रहे हैं? आखिर शरीयत की मांग तो उन लोगों ने भी की होगी जिन्हें आज शरीयत से दिक्कत हो रही है। सीरिया अफगान जैसे देशों के नागरिक इस्लामिक कट्टरपंथ के शिकार होने के बाद किसी लोकतांत्रिक देशों में शरण लेंगे और फिर कुछ साल बाद वहां शरीयत कानून चलाने की वकालत करेंगे, लोकतांत्रिक देश में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा करेंगे। उदाहरण के तौर पे इंडिया के ही कट्टरपंथियों को देख लो, जो कभी समी के बर्थडे पार्टी से, कभी उसके बीबी के कपड़े से, कभी मोहम्मद कैफ के योगा से, कभी जाहिर खान के पूजा से, कभी जाहिरा वसीम के फिल्म करने से, तो कभी राष्ट्रगीत गाने से लोकतांत्रिक देश में कट्टर मौलानों को बड़ी तकलीफ होती है। भारत पहले ही बांग्लादेश, रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों के मौजूदगी की वजह से बेरोजगारी और आतंकवाद से जूझ रहा है। अफगान से भागे लोग भी भारत में ही शरण लेंगे और नतीजा भारत में और ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। सरकार को चाहिए कि भारत को धर्मशाला न बनाए और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए। डर इस बात का होता है कि ऐसे शरणार्थी आज तो सिर्फ रहने की जगह और खाना मांगेंगे, मगर कल अपना अधिकार मांगेंगे और जरूरत पड़ी तो छीनने की कोशिश भी करेंगे। धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ेगी और भविष्य में वो हमारे वोट को कंट्रोल करेंगे। सत्ता के स्वार्थी नेताओं को मजबूर करके अपनी बातें मनवाएंगे, फिर कुछ ही सालों में इनके बच्चे हमारे बच्चों का अधिकार भी छीनेंगे और एक दिन भारत में अफगान जैसे संकट को पैदा करेंगे। याद रखिए, तालिबानी पेड़ पे नहीं उगे, ना ही आसमान से टपके हैं। ये कट्टरपंथियों से मजहबी तालिब लेके ही तालिबानी बने हैं। मत भूलिए, इनका लक्ष्य ही विश्व में अपनी कट्टरता को फैलाना है और इसके लिए जरूरी है
इनका उन देशों में शरण लेना जहां लोकतंत्र है, फिर धीरे धीरे खुद की संख्या बढ़ाने और फिर अपने संख्या बल से उस देश के सत्ता को कंट्रोल करके अंत में उस देश के लोकतंत्र को हटाकर अपने मजहबी कानून को स्थापित करना ही इन देशों का लक्ष्य होता है। आज ये शरण मांगेंगे और कल शरीयत, और परसों इनके बच्चे शायरी चेपेंगे। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसीलिए नेता चुनते वक्त पेट्रोल, महंगाई, रोजगार के बारे में सोचे, मगर साथ में इस बात को भी सोचे कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य किस नेता के हाथ में सुरक्षित होगा। क्योंकि जो लोग अपना देश छोड़कर भागे हैं उनके पास धन दौलत रोजगार तो है, मगर एक शेरदिल लीडर नहीं है जो उनके लिए लड़ सके। हम खुशनसीब है कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो कोरोना काल हो या युद्ध काल या कोई तालिबानी संकट, हर बार अपने लोगों को सकुशल वापस अपने देश लाने में भारत कामयाब रहा है। आप अपना पीएम चुनते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो कौन है जो अफगान, सीरिया जैसे भयावह स्थिति अपने देश में आने नहीं देगा, और अगर आया भी तो स्थिति को संभाल लेगा। आज भारत में हिंदू मेजोरिटी में है, फिर भी सपा सांसद शफीकुर रहमान तालिबान की तुलना भारत के क्रांतिकारियों से कर रहे हैं, मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से तालिबानी शासन और उसके जुल्म को सही ठहरा रहे हैं। सोचिए तब क्या होगा जब इन जैसे आतंकी सोच वाले नेता सत्ता में आ जाएंगे। वही होगा जो आज सीरिया अफगान में हो रहा है। दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, मैंने सारी बातें वर्तमान स्थिति को देखकर बोली है। इस विषय में आपकी जो भी राय है हम उसका भी स्वागत करते हैं। मेरा ये वीडियो किसी भी धर्म, पंथ, मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें मेरी एक विचार है। अगर मेरी बातों से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो उसके लिए मुझे खेद है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।